ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स सिर्फ आपका वेक्टर्स में लामीज थ्योरम और डायरेक्शन कोसाइंस बाकी है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स. इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट. तो ये एसआई सिस्टम नहीं है, ये एमकेएसबी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज हाउ मच. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस, देयर आर टू मेथड्स. एक तो डायमेंशन से कर सकते हो. डायमेंशन से कैसे करोगे? हाँ, सॉल्व करो, बट उससे पहले मुझे बताओ कैसे करोगे. व्हाट ट्रिक विल यू बी यूजिंग हियर? 100 डाइन्स, राइट? तो देयर आर टू मेथड्स. एक मेथड में आप डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन वेयर यू नो m1 इज मास इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज सीजीएस, m2 इज इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. Then you should know what are dimensions of force M1, L1 and T minus 2. Okay, so आपको already पता है कि N1 मतलब 100 dynes है ना? तो 100 dynes. What is mass in CGS? Gram. And in M2 that is kilogram. Good. Length is both सेंटीमीटर एंड मीटर. टाइम इज सेकेंड एंड मिनट, करेक्ट? ओके, तो N2 इज इक्वल टू 100. ग्राम एंड किलोग्राम को कन्वर्ट कर लो ग्राम्स में. 10^3 ग्राम्स, माइनस नहीं, 1, 1 कैंसिल. 10^-2 मीटर. ओके, या फिर इट्स अप टू यू. यू कैन इवन कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर एंड कैंसिल आउट. एक ही बात है वो, तो डजंट मैटर रियली. सो द थिंग इज, आपको सिर्फ यूनिट्स कैंसिल करने हैं, इतना पता होना चाहिए. हाउ मच इज 1 मिनट? 60 सेकंड, राइट? ओके, तो हो गया ये आपका 10^-3, माइनस टू, और ये गया -3 आ जाएगा. 10^-3 अपॉन 60^-2, मतलब ऊपर जाके 60^+2. What is 60^+2 is 36 into 10^2 into 10^-3. मतलब 36 into 10^-1, मतलब 3.6. This is method 1. Method 2 भी यही है, but easy method. What I can write is 1 dyne is equal to 1 gram centimeter per सेकेंड स्क्वायर. तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा मैं. हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम? 10^3. ओके, शिफ्ट इट ओवर हियर बिकॉज एनीवेज यू नाउ नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इन मेथड 2 आई विल डायरेक्टली बी डीलिंग विथ यूनिट्स. तो 1 लिख लो, 100 लिख लो, डजंट मैटर. 100 टू 100, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 100. ओके, 100 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया. 10^-3 केजी. ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 10^-2, राइट? तो ग्राम का किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर का मीटर हो गया, अपॉन सेकेंड स्क्वायर. मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 सेकेंड इज हाउ मेनी मिनट्स? 1/60. 1 सेकेंड इज 1/60 ऑफ अ मिनट. तो 1/60 का स्क्वायर कर लोगे तो मिनट स्क्वायर आ गया, करेक्ट? तो ऐसा भी हो सकता है. इट्स द सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे मैंने 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखी है. N2 N1 ऐसा लिखा है. ओके, बट यू कैन डायरेक्टली पुट यूनिट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस M1 L1 T1. तो डायरेक्टली भी कर सकते हो. बोथ मेथड्स आर easy, right? Okay.
नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, व्हाट इज परमिटिविटी बाय द वे, व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस, व्हाट एवर इट इज, कौन से फॉर्मूला में ये आया था एटलीस्ट ये बताओ, कूलम्स लॉ, कोलंबियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon zero अगर फ्री स्पेस में है तो, अदरवाइज जस्ट epsilon, राइट, सो डजंट मैटर q1 q2 by r square, तो epsilon विल बी इजी q1 q2 by 4 pi fr square, तो जब यूनिट्स निकालोगे मतलब डायमेंशंस निकालोगे यूनिट्स निकालोगे तो q1 q2 इज कूलम स्क्वायर, 4 पाई तो कांस्टेंट है विदाउट एनी डायमेंशंस, फोर्स इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर, c2 n-1 m-2 ऑप्शन नंबर डी, बट व्हाट इज परमिटिविटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमिटिविटी, हाँ बट क्या, टेल मी वन थिंग, मेरे पास दो चार्ज है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, और मैंने उन दोनों चार्जेस को पहले वैक्यूम में रखा है, अब एक मीडियम में रखा है, कौन से केस में फोर्स ज्यादा होगा, लेट्स से वाटर में रखा है, वाटर में ज्यादा होगा और वैक्यूम में कम होगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट, ओके, सो F vacuum is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, and F for water or any medium, basically any medium, 1/4 pi epsilon, okay, so instead of saying water I will say any medium, q1 q2 by r square, because distance same the charges same the, jab main divide kar deta hu F medium by F vacuum, F medium by F vacuum, what I get is epsilon 0/epsilon, और इसको आप बोलते हो dielectric constant या फिर relative permittivity, right? इसको नहीं 1/k को बोलते हैं dielectric constant या फिर relative permittivity, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर, के फॉर वैक्यूम इज 1 एंड के फॉर वाटर इज 80, अब बताओ कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ, 1/80 के फैक्टर से कम हुआ, इसका मतलब ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेल्स यू How easily electric field can penetrate inside a medium? मतलब एक medium field को कितना easily support कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, right? That is what it means. तो permittivity का मत, permittivity, permission to spread force with the help of electric field. मैं ऐसा याद रखता हूँ उसको. So in a medium, it is always less compared to vacuum. Okay, so it is important because you have to understand that force in vacuum will be the greatest provided you are not changing charges and you are not changing the distance between two charges. Okay, so ye easy tha. Now, the equation of state of some gas can be expressed as P plus A by V square, V minus B equal to RT, where P is pressure, V is volume, and T is absolute temperature. A, B, and R are constants. Dimensions of A will be. How do you find out dimensions of A in this case? Easy here. Are constant, but ऐसा थोड़ी बोला dimensionless constant. ऐसा बोला है क्या, दे आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, तो ए अपन का डिवीजन करके प्रेशर की इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली इफ यू लुक एट द फर्स्ट टर्म
आप प्रेशर में कुछ ऐड कर रहे हो, और फिजिक्स में मैंने बताया था व्हेन कैन यू ऐड टू क्वांटिटीज इफ दे हैव सेम डायमेंशंस. सो प्रेशर एंड ए बाय वी स्क्वायर मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. मतलब ए के डायमेंशंस होंगे प्रेशर इनटू वी स्क्वायर के डायमेंशंस. व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ प्रेशर? फर्स्ट फर्स्ट फोर्स अपॉन एरिया. फोर्सेस एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एरिया इज एल टू एंड वॉल्यूम इज एल क्यूब, उसका स्क्वायर एल सिक्स. ओके, तो दो और छ चार और एक पांच, एल फाइव आना चाहिए. एल फाइव एक ही में है, खत्म, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है. देखोगे तो भी वही आएगा, एम वन एल फाइव टी माइनस टू, राइट? तो योर फोकस शुड बी वेयर. आई टेल यू वॉट आई डिड. चारों में से एक ही ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार ऑप्शन में एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा है जिसके पावर अलग अलग है क्या? एल फाइव एल माइनस वन एल थ्री एंड टी सिक्स एल सिक्स. बाकी यहाँ पे एम वन एम वन एम जीरो है ना, टी माइनस टू टी माइनस टू टी जीरो टी जीरो. इसका मतलब मैं सिर्फ एल का पावर चेक कर लेता हूं तो मेरा काम हो गया, टाइम बचता है. व्हाई शुड आई बी सॉल्विंग फॉर एम और टी, क्योंकि दो दो बार रिपीट हुआ है, एम जीरो दो बार, टी जीरो दो बार, एम माइनस टू दो, एम वन दो बार, टी माइनस टू दो बार. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव वेरी लेस टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन. तो इसलिए मैंने क्या किया, एल सिक्स और दो चार और एक पांच, एल पांच एक में ये खत्म. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? ओके, सो इन सच केसेस यू मस्ट बी लुकिंग एट ऑप्शंस. ओके, दिस इज अ जोक प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड जोक्स इन फिजिक्स. द पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिपेंडेड बाय P raised to A, D raised to B, S raised to C, where P is pressure, D is density, and S is surface tension. The value of A, B, C are time period is P A, D B, S C, simple harmonic motion. Okay, so what are the values of A, B, and C here? टाइम पीरियड का डायमेंशन तो P raised to 1 ही आएगा. प्रेशर अभी आपने देखा था, एम वन एल वन टी माइनस टू बाय एल बाय बाय एल स्क्वायर. एल स्क्वायर नीचे एल पावर टू है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, मतलब ये माइनस वन होगा. रेस टू ए, डेंसिटी इज मास और यूनिट वॉल्यूम. एम वन एल थ्री डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी नहीं है ये, वॉल्यूम डेंसिटी है. ओके, बी सरफेस टेंशन. व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स बाय लेंथ, करेक्ट. तो फोर्स बाय लेंथ मतलब एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल वन, कैंसिल कैंसिल. तो एम वन एंड टी माइनस टू रेस टू सी. अब आप इन सबको कंबाइन करोगे, एम ए प्लस बी प्लस सी. ओके, देन माइनस ए और ये माइनस थ्री बी, दैट्स इट. एंड टी माइनस टू ए माइनस टू सी, इसको इक्वेटिंग पावर्स. तो पावर्स इक्वेट करोगे तो पहले पहले मिलेगा माइनस टू ए माइनस टू सी इक्वल टू वन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? और सॉल्व आप कर सकते हो. ओके, सो यू कैन सॉल्व एंड गेट ऑप्शन नंबर ए. ए आता है क्योंकि वो, और ए कैसे आता है, पी रेस टू थ्री बाई टू, राइट? देन डी रेस टू हाफ एंड सरफेस टेंशन रेस टू वन. टाइम पीरियड होना चाहिए. डेंसिटी क्या आता है? डेंसिटी क्या आता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसका पावर हाफ. सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ. ये आपने ऑलरेडी किया है, मतलब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर.
और प्रेशर आपने लिखा है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना, प्रेशर L माइनस वन है, ओके, T माइनस टू है, और रेस टू थ्री बाई टू, के रेस टू हाफ और के जी रेस टू हाफ और भार के जी, मतलब कैंसल हो गया, ओके, देन, है ना, मतलब मैंने सिर्फ केजी कैंसिल किया, एम रेस टू थ्री बाई टू ऊपर, नीचे भी एम रेस टू थ्री बाई टू कैंसल, नीचे सेकेंड क्यूब है, ऊपर सेकेंड स्क्वायर है, वन बाय सेकेंड स्क्वायर अपॉन वन बाय सेकेंड क्यूब, तो सेकेंड क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड बचेगा, तो वापस से आ गया, इजी। तो दिस इज मेथड टू, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू बाय दिस मेथड आल्सो, पर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ए ऑप्शन करेक्ट नहीं आया तो फिर बी चेक करो, फिर बी नहीं आया तो सी चेक करो, फिर दैट्स व्हाई इन सच क्वेश्चन आई नॉर्मली टेल यू टू सॉल्व वाया डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन चेक करते जाएंगे तो इट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी जो हो वो ये हो, तो पूरे ए बी सी डी सब चेक करना पड़ेगा, सो नॉर्मली आई डोंट टेल यू टू डू मेथड नंबर टू, राइट, बट विद प्रैक्टिस वो याद ही रहने लग जाता है, एज मच प्रैक्टिस एज यू डू ये याद रह जाएगा आपको कि ठीक है ऐसा आएगा, क्योंकि ओरली होता है वो। A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of a viscous liquid of coefficient of viscosity eta. After some time, the velocity of ball attains a constant value known as terminal velocity. The terminal velocity depends on mass of the ball m, eta r, acceleration due to gravity g. Which of the following relations is dimensionally correct? So, if you remember, मैंने कल ही आपको पूछा था. टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन याद है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स की जब बात हुई थी तब, तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इफ यू रिमेंबर इक्वेशंस तो इट्स नथिंग फॉर यू टू सॉल्व, एनीवेज डू यू रिमेंबर व्हाट वाज एटा एट लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स, विस्कस फोर्स बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लिक्विड and velocity gradient. What is velocity gradient? Gradient means divided by some derivative with respect to distance. That is fine. जैसे अभी आप बाहर रुके थे तो हो सकता है थोड़ा गर्म लग रहा होगा, अंदर ठंडा लग रहा है, तो temperature has changed with respect to डिस्टेंस, मतलब डी टी बाई डी एक्स, बाई डी एक्स आया, मतलब दैट इज ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट, टेम्परेचर का ग्रेडियंट। वैसे ही अगर आपको याद होगा, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दो ड्रॉप लिए, एक वाटर का एक हनी का, और वॉल पे छोड़ दिया, विच वन कम्स फास्टर, वाटर, हनी क्यों नहीं, विस्कस फोर्स, मतलब आप बोलते हो एनी लेयर कैन बी, एनी लिक्विड कैन बी अज्यूम टू बी इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, फिर आप बोलते हो कि जो बॉटम मोस्ट लेयर है इट डज नॉट मूव एट ऑल बिकॉज द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल एंड द सर्फेस ऑफ द सॉलिड इज मोर लार्ज, एडिशन फोर्स, एडिसिव फोर्स है ना, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का फोर्स है ना, वॉल का सर्फेस मतलब वॉल का मटेरियल अलग है और वाटर या फिर हनी लिक्विड वो अलग है, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज एडिसिव फोर्स, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे इट इज जीरो, सो बॉटम मोस्ट लेयर इज नॉट मूविंग, दिस इज व्हाट यू से, फिर ऊपर का लेयर इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v1, उसके ऊपर का v2 विथ मोर वेलोसिटी, एंड टॉप मोस्ट लेयर इज मूविंग विथ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका मतलब व्हाट इज चेंजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बॉटम, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स बिटवीन एनी टू लेयर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट, ओके, सो दिस इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी,
प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर एटा के डायमेंशंस आपको मिल जाते हैं यहां से, एफ अपॉन ए डी वी बाई डी एक्स। आई विल वर्क इन यूनिट्स इंस्टेड ऑफ डायमेंशंस। फोर्स, फोर्स के यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड पर मीटर, है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन डी एक्स है तो पर मीटर है। मतलब ये ऐसा हो गया कि कैंसल कैंसल, मीटर स्क्वायर तो कैंसल 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 कैंसल, मतलब क्या आ गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड, राइट। एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, करेक्ट, ये आ गया क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी। इतना ही तो चाहिए था क्यों? अगर आपको ऐसा नहीं भी करना चलेगा, इफ यू डोंट वांट टू डू दिस मच डिटेल, आप बोल सकते हो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ऊपर आ गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब। अगर आप फोर्स को न्यूटन में लिख रहे हो तो चलेगा। क्यों किया मैंने ऐसा? बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट ऑप्शन। तो आई टेल यू वन थिंग हियर, वी डोंट वॉन्ट दिस मच ऑफ डिटेल्स बिकॉज यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। ओके, तो आप बोल सकते हो ईटा के यूनिट्स इधर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखो, और आप लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब। ऐसा ही किया था हम। राइट, ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनल टू एम जी बाय ईटा आर। एम जी के डायमेंशंस होते हैं न्यूटन, इसलिए मैंने बोला इट इज ओके इफ यू डोंट राइट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फिर अगर मैं नीचे लिखता हूं एटा इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब एंड आर इज अगेन मीटर, है ना, एम जी इज न्यूटन, एम इंटू जी इज न्यूटन, एटा न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब एंड आर इज मीटर, न्यूटन न्यूटन गया, एक मीटर और ये एक मीटर गया, ओके, एक मीटर गया, तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो प्रॉब्लमैटिक है, नहीं आएगा। वंस अगेन यू नीड टू क्रॉस चेक कि आएगा या नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये हमने किया है बहुत फास्ट, तो लेट्स सी वंस अगेन कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। ईटा, आर वी श्योर अबाउट ईटा, व्हाट वाज ईटा, एफ ए डी वी बाय डी एक्स, एफ न्यूटन, है ना, न्यूटन, ए मीटर स्क्वायर, बी वाज मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, करेक्ट, क्लियर, कैंसल कैंसल, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज, देखो बिकॉज यू आर न्यू हियर मैं बता देता हूँ, माय अप्रोच इज समथिंग कि कहाँ गलती होती है मैं स्टार्ट वहां से करता हूँ, क्योंकि गलती होती है, ओके, और एग्जाम में करने से बेटर है यहीं पे कर लो। तो अब आपको समझेगा कि ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। आ गया मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए खत्म। राइट, वैसे एक ये मेथड है और भी मेथड है। दूसरा मेथड अगर आपको थ्योरी पता है तो पता होगा ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। मैंने कल बताया था आपको, हमारे पास एक लिक्विड है जिसमें हम एक स्मॉल बॉल को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो व्हाट विल हैपन इनिशियली इज दैट द बॉडी और द बॉल विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी, बढ़ते जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो ओनली फोर्स डाउनवर्ड इज, ऊपर दो फोर्स है,
कौन से दो फोर्स है, एक अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट सरफेस टेंशन तो सरफेस पे होता है ना, बॉल तो नीचे लिक्विड में फ्लो होगा, और एक फोर्स होता है विस्कोसिटी का फोर्स। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट एंड फोर्स टू विस्कोसिटी, करेक्ट? Do you know what is upthrust force? How do you calculate upthrust force? Archimedes principle. So, assignment for the day. Archimedes principle, padho. I am sorry, but I will make you work. Easy hai bahut. Bahut easy hai. फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए, और फ्लूइड मैकेनिक्स हम स्टार्ट करें उससे पहले बेटर है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं आपको अभी ही करवा दूं, राइट? तो जब तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट आई गिव यू हिंट, आई गिव यू हिंट। एम जी इक्वल टू सम एफ यू, वो आप देखोगे, 6 पाई एटा आर वी इज विस्कस फोर्स, करेक्ट? इसको मैं कांस्टेंट या जीरो भी मान लूं, मान लेते हैं एम जी इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी, मतलब एम जी इज प्रपोर्शनल टू ईटा आर वी, मतलब वी इज प्रपोर्शनल टू एम जी अपॉन ईटा आर, है क्या? इसका मतलब सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि ग्रेविटी ने बैलेंस किया अपवर्ड फोर्सेस को, मतलब न्यूमरेटर में ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स mg आना चाहिए, है ना? mg आना चाहिए न्यूमरेटर में, तो ऑप्शन ए में mg है, बी में नहीं है, सी में तो सभी न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर के टर्म्स कहां गए, मतलब तो सी भी नहीं हो सकता, बी एंड सी इज नॉट पॉसिबल, यू विल बी जस्ट कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी, राइट? तो दिस इज मेथड नंबर टू। तो एक आप डायमेंशनली कर सकते हो, एक आप थियोरेटिकली भी कर सकते हो, क्लियर? मेथड टू पक्का। इफ द स्पीड ऑफ लाइट सी एक्सटेंड टू ग्रेविटी जी एंड प्रेशर आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज, where does this capital G gravitational constant appear? Force between two masses. How do you write down force between two masses? G m1 m2 by r square. So G is equal to fr square upon m1 m2 mass square. Kya kya fundamental hai? Speed of light, G एंड प्रेशर, टू मेथड्स। इसके भी दो मेथड कम से कम, कौन से दो मेथड? एक तो डायमेंशन से ही होगा, आप बोलोगे जी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेस टू एक्स, जी रेस टू वाई, पी रेस टू जेड, है ना? फिर इस मेथड को सॉल्व करोगे, फिर आप बोलोगे डायमेंशनली, करेक्ट? सॉल्व करोगे इसको, डायमेंशनली सॉल्व करोगे, तो दैट यू कैन डू, दैट यू कैन डू। मेथड नंबर क्या क्या लाना है? प्रेशर लाना है क्या? प्रेशर लाना है ना इक्वेशन में, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं ऐसा करता हूं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और ऑलरेडी एक आर स्क्वायर था, और क्या था? m1 m2, सो आई एटलीस्ट हैव प्रेशर हियर, करेक्ट? क्लियर? ओके, देन और क्या लाना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई विल राइट
f by r square, okay, meter per second square, मतलब r और r cube, second square adjust कर लिया, correct, और नीचे m square है ही, मैं m1 m2 पे m लिख देता हूँ अभी, pressure adjust हो गया, acceleration भी adjust हो गया, फिर बचा speed of light, oops, गलती हो गई, अब क्या करेंगे, ना, गलती हो गई, क्या करेंगे, इजी है ये क्वेश्चन, इज इजी प्रोवाइडेड इफ यू नो ट्रिक्स, सो थिंक अबाउट इट, कैसे करोगे, हाउ डू यू डू दिस, सी फाइंड करेंगे, सी फाइंड करेंगे, मैं और एक बार बताता हूं, या तो फिर फोर्स को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर मतलब मीटर स्क्वायर, एम वन एम टू मतलब किलोग्राम स्क्वायर, केजी केजी गया, राइट, क्या बचा, मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर, मैं एक काम करता हूं, बिकॉज आई एम लिटिल लेजी, सो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट कॉम्पैक्ट, मीटर, यहां ध्यान दो, लिखने का टाइम दूंगा आपको मैं, किलोग्राम नीचे था, ऊपर मीटर स्क्वायर था, उसको डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लाए, और एक सेकंड स्क्वायर था, है ना, सेकंड स्क्वायर नीचे, राइट, करेक्ट, प्रेशर एडजस्ट हो गया, है क्या, प्रेशर एडजस्ट हुआ क्या, ये प्रेशर है, नहीं, प्रेशर एडजस्ट करो फिर, हाउ टू एडजस्ट प्रेशर, हाउ टू एडजस्ट प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, फोर्स इज एम वन एल वन t minus 2 upon area is l square, तो m1 l minus 1 t minus 2, वापस पूछ रहा हूं मैं, हा? m1 l minus 1 l minus 1 minus 1 ना पक्का 100% ये आ गया minus 1, करेक्ट, और एक एम को मैं सेपरेट कर लेता हूं फिलहाल, करेक्ट, गुड, और क्या था, टी माइनस टू, बराबर ना, टी माइनस टू था, श्योर, तो सेकंड स्क्वायर, पर यहां तो सेकंड स्क्वायर इधर है, फिर सेकंड रेस टू फोर कर दूं, चलेगा, ओके, गुड, फिर ये एम ऊपर जाएगा, बराबर, सेकेंड रेस टू फोर बचेगा, बराबर, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर आया, गुड, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था वैसे, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नोटिस थिंग्स, डिड यू, डू यू नोटिस, ऑप्शन आंसर मिल गया, बट डू यू नोटिस, आंसर हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, कैसे, मीटर स्क्वायर सेकंड रेस टू फोर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर है कि नहीं, है, एक्सेलरेशन का स्क्वायर है ना ये, गुड, तो ऊपर है एक्सेलरेशन स्क्वायर, नीचे है प्रेशर, सी तो है ही नहीं यहाँ पे, जी रेस टू टू, पी रेस टू माइनस वन, सी रेस टू जीरो, ओके, सो अब आपको समझेगा कि डायमेंशन से करना हमको ज्यादा डिफिकल्ट जाता है कंपेयर टू दिस मेथड। हमने क्या किया पहले, सबसे पहले बताओ, व्हाट डिड वी डू हियर, हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, क्या किया था, फोर्स की जगह पे क्या रहा था, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, आर मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर,
केजी केजी कैंसिल। फिर हमने क्या एडजस्ट किया, प्रेशर के यूनिट्स। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं आपने बताया था, किलोग्राम पर मीटर, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट। तो डिनोमिनेटर में m है, मतलब प्रेशर नीचे ही आने वाला है, मतलब p रेस टू माइनस वन ही आने वाला है बेसिकली, और माइनस माइनस ही दिया है प्रेशर, ठीक है। तो किलोग्राम मैं जो पहले हमारे पास है उसको मैं एज इट इज रख देता हूं, बराबर। किलोग्राम आगे क्या लाना है, आगे बताओ बताओ। मीटर, अरे आप ही बता रहे हो ना, मैंने कहा कुछ बताया, यू आर टेलिंग मी किलोग्राम पर मीटर, तो ऊपर का एम सिर्फ नीचे लिख दिया, बराबर करेक्ट। पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है तो मैंने एडजस्ट कर दिया, बराबर गुड हो गया। ये आपका एम स्क्वायर एस रेस टू फोर, मतलब जी का स्क्वायर और नीचे पी, तो आ गया ऑप्शन नंबर बी, गुड है इजी। हाँ तो ये मेथड यूज करना, वो क्या इतना बड़ा करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, सो वी डोंट वांट टू डू दैट। ओके पता नहीं क्या हुआ इसको, वॉकिंग नाउ, राइट। सो सिमिलरली टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन एस, रेडियस आर एंड डेंसिटी, देन द एक्सप्रेशन फॉर टी इज, जोक है क्योंकि ये आप यूनिट से करोगे वापस, करोगे यूनिट से, कैसे करोगे मुझे बताओ। व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज आर, रेडियस मतलब मीटर, मीटर क्यूब अपॉन सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर लेंथ, कैंसिल 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 कैंसिल, क्या बचाओ सेकंड स्क्वायर, बराबर ना सेकंड स्क्वायर। और इफ यू नोटिस ये पूरा रूट है सेकंड, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ए आएगा, ए है, सेवन का आंसर ए है। फिर वापस से वो करना है, टी इज प्रोपोर्शनल टू एस रेस टू एक्स, आर रेस टू वाई, रो रेस टू जेड, नहीं क्यों, हमको बेसिक्स पता है इसलिए 11th 12th जिसका अच्छे से हुआ है, देन नो डेंसिटी सरफेस टेंशन सबके यूनिट्स फटाफट से आने चाहिए, इजी ओरली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वैसे तो मैं बता रहा हूँ देख के समझाइए, डेंसिटी इनटू आर क्यूब इज जस्ट किलोग्राम, मास पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम, आर क्यूब मतलब वॉल्यूम, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो देख के समझ गया था मुझे, रो आर क्यूब इज किलोग्राम और नीचे सरफेस टेंशन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, क्योंकि फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब ओरली ओरली ये समझ में आ गया था कि ऊपर जो है सिर्फ किलोग्राम है, नीचे जो है वो किलोग्राम सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब केजी केजी भी कैंसिल होगा और केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर ऊपर गया और उसका स्क्वायर रूट है, कनेक्ट कर पा रहे ओरली बोल रहा हूं तो मैं, रो आर क्यूब किलोग्राम है ना, किलोग्राम कैसे समझा, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना, ये दिस इज डेंसिटी दिस इज वॉल्यूम, मास मतलब केजी, नीचे गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के डायमेंशन याद होंगे अगर, तो वो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर रखा है, मतलब किलोग्राम अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर गया केजी केजी कैंसिल हुआ उसका स्क्वायर रूट, सेकंड टाइम पीरियड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स से चल रहे हैं, विदाउट नोइंग एनी थियरी हम सॉल्व कर रहे हैं सर। ओके तो अब आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस नाउ, इफ प्रेशर
volume V and time T are taken as fundamental physical quantities, dimensions of the force will be force kilogram meter per second square. P V square T square orally hoga. Kilogram per what is kilo force upon area matlab. अभी आपने खुद बताया ना m1 l minus 1 t minus 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. v इज वॉल्यूम मीटर क्यूब t इज टाइम सेकंड स्क्वायर बराबर. एक और एक गया मतलब स्क्वायर बचेगा बराबर करेक्ट. ये नीचे आ गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड रेज टू माइनस 4 फोर्स होता है क्या नहीं होगा फोर्स. फोर्स क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट. तो P माइनस वन वी टू टी माइनस टू अगर ये करोगे तो ये होगा आपका V स्क्वायर P T स्क्वायर. हाँ थर्ड ऑप्शन है राइट. मैं वो बताने वाला था कि थर्ड ऑप्शन क्यों है पर आपने बोल दिया तो ओके मेरा काम काम हो गया. क्यू प्रेशर किलोग्राम मीटर माइनस टू बराबर ना पक्का गुड. वॉल्यूम मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर. द थिंग इज दैट सेकेंड स्क्वायर कैंसिल करने के लिए आपको पी और टी स्क्वायर आना चाहिए. यहां पे मैंने भले ही गलत लिखा होगा ओके. पी और टी स्क्वायर जब आएगा तब ही जाके ये होगा कैंसल नहीं. हाँ या नहीं वॉट दैट इज वेयर वी नीड टू थिंक एंड रीथिंक एंड रीथिंक. वॉट आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या एम वन. मतलब के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुड. वेलोसिटी है ये मैं लिख रहा था वॉल्यूम घाई में ये होता है. दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट आई विल मेक मिस्टेक्स सो दैट यू नो वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग बराबर सही है. अब पीवीटी स्क्वायर कैंसल 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 किलोग्राम पर सेकेंड इज दिस फोर्स नो नो. तो ऑप्शन नंबर ए सही था. वाई बिकॉज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसल 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 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. हाउ डू यू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स एस पहला यू नीड टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली. प्रेशर वेलोसिटी एंड टाइम पीवीटी इट्स नॉट वॉल्यूम. दूसरा सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट्स प्रेशर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इमीडिएटली याद आना चाहिए. दूसरा क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर है मतलब एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर ऑलरेडी है और टी स्क्वायर भी है मतलब पहली बात तो ये कैंसल हो रहा है राइट. दूसरा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एम स्क्वायर है पर फोर्स में कहां एम स्क्वायर आता है फोर्स में तो एम आता है. इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक एम चाहिए वो प्रेशर से आ रहा है हो गया सॉरी. तो पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर सिंपल ओके. दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजी है ये भी ओके. ये बताओ आप ओरली द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू रूट ऑफ L by G where L is about 100 cm length of pendulum matlab and is known to have accuracy of 1 mm matlab delta L na accuracy delta L. The period is about 2 seconds
द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम? नहीं नहीं क्या बोला है, पीरियड इज अबाउट सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम? दो. तो 100 के लिए कितना? 100 के लिए कितना? 200. मतलब कैपिटल टी दिया है आपको 200 है. इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट, मतलब डेल्टा टी भी दिया है 0.1 सेकेंड. परसेंटेज एरर इन जी, इफ यू रिमेंबर मैंने कल बताया था आपको कि आपको एरर एनालिसिस के फॉर्मूला कहां लगते हैं. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, जिस क्वांटिटी में परसेंटेज एरर निकालना है सबसे पहले उसका पावर हमेशा 1 चाहिए, दूसरा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में डाल दो. ये ओरली भी हो सकता है. परसेंटेज एरर किसमें निकालना है? जी में, मतलब जी तो रूट के अंडर है, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा. तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² एल बाई जी. फिर मैंने बताया आपको कि जी को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर. फिर मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 4π² इज कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता. डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी इनटू 100, करेक्ट. डेल्टा एल, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने बता दिया 1 mm. हाउ मच इज 1 mm इन सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, या फिर मीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर को भी मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है. 10⁻³ मीटर, फिर एल 1 लिखना पड़ेगा आपको. 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, ऐसा मत करना ऊपर मीटर में नीचे सेंटीमीटर में, पक्का? ये गलती भी होती है. ओके, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी 0.1, टोटल टाइम पीरियड कितना? 200, करेक्ट ना, पक्का? गुड. इनटू 100, 10⁻³, 1 जा 100 जा 10⁻² और ऊपर ऑलरेडी 10⁻¹ है, तो ये भी 10⁻³ है ना. तो 10⁻³ प्लस 10⁻³ इज 2 टाइम्स ऑफ 10⁻³ इनटू 100, मतलब 10⁻² मतलब कितना बचा? 0.2. है कितना फास्ट होता है और अली कैसे करोगे. कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच वर्ड दैट आई एम सेइंग. टी इज इक्वल टू 2π√L/g था, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 4π²L/g था, मतलब जी इक्वल टू 4π²L/t² था जब फॉर्मूला लगाया मैंने परसेंटेज एरर का. तो डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी इनटू 100. डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल इज 10⁻³ अपॉन एल इज 1 मीटर, मतलब पहला टर्म 10⁻³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.1 by 200, 0.1 by 100 इज अगेन 10⁻³, मतलब 2 × 10⁻³ और बाहर ऑलरेडी 10⁻², मतलब 100 है, तो 0.2 आंसर आएगा. दिस शुड बी ओरल और ये विद प्रैक्टिस ही होगा. डोंट मेक योरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर्स और लॉग बुक्स. जहां जरूरत पड़ेगी, एंड आई टेल यू 99% नीट के क्वेश्चंस में यू डोंट नीड लॉग बुक्स और एनीथिंग टू कैलकुलेट. 99% क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है. क्लियर? ये ओरल है अगेन. मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए, वेयर ए इज बी रेस टू अल्फा, सी रेस टू बीटा अपॉन डी रेस टू गामा, ई रेस टू डेल्टा. बी में परसेंटेज एरर b1 है, सी में c1 है, डी में d1 है और ई में e1 है. ओके, परसेंटेज एरर निकालते वक्त पावर मल्टीप्लाई कर जाता है ना. तो अल्फा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, बट डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 कितना दिया है? b1, मतलब अल्फा b1 आएगा, बराबर, करेक्ट. बीटा c1 आएगा, राइट. गामा d1 आएगा और डेल्टा e1 आएगा. अल्फा b1, बीटा c1, गामा d1, डेल्टा e1. पक्का? क्लियर?
अब ये भी बता दो फिर ओरली, वैसा ही है 2 into 1 3 into 3 मतलब ए से कितना आया 2 into 1 मतलब 2%, बी से कितना आया 3 into 3 9, 9 plus 2 11, 11 का मतलब ये हो गया कि ये दोनों ऑलरेडी आउट ऑफ क्वेश्चन चले गए, वैसे भी चले गए, क्यों? क्योंकि सिर्फ बी तुमको 3 into 3 9% एरर देगा, तो 7 और 5 कहां से आया फिर? ठीक है, तो ऊपर से आपका आ गया 11%, नीचे से सी रेस टू 1 है 2% और डी रेस टू हाफ है, हाफ इनटू परसेंटेज एरर इन डी टू मतलब 1, तो यस नीचे से मिल गया 3%, ऊपर से मिल गया 11%, तो टोटल कितना आ गया 14% ऑफ एरर, राइट? गुड, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ प्लेट, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड्स बोल दिया मतलब एरिया मेजर करने वाले हैं, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर 4 और 2, करेक्ट? कैसे आया बता ये? नहीं, व्हाट इज प्रेशर बराबर, व्हाट इज एरिया देन स्क्वायर, सो व्हाट इज डेल्टा पी बाय पी इनटू 100, डेल्टा एफ बाय एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल इनटू 100, व्हाट इज डेल्टा एफ बाय एफ इनटू 100 इज 4% प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2%, क्योंकि ये 2 आएगा इसलिए आएगा 8% ऑफ एरर, यस। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, 2.820 लेंथ है, मास 3 है और एल 0.087 है, डायमीटर भी दिया है, जी की वैल्यू भी बोला है, यूजिंग वाई इक्वल टू 4mg/π/d2l द मैक्सिमम permissible error in YS. Karo solve. So the idea in this question is that Y is given to you 4mg/π/d2l. So I already know that delta Y by Y multiplied by 100 is equal to delta M by M plus delta G by G plus 2 times of, since it is d2, डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल वोल इनटू 100, राइट? द प्रॉब्लम हियर इज दैट यू हैव बीन गिवन एम 3 बट यू आर नॉट गिवन डेल्टा एम, बट 3 के बाद 0.00 मतलब एक्यूरेसी इज 10^-2 मतलब डेल्टा एम इज 10^-2, ओके, प्लस डेल्टा जी बाई जी, जी इज 9.81 10^-2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी, डी इज 0.041 10^-3 प्लस डेल्टा एल बाई एल 0.087 10^-3 वोल मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा बाद में। हाउ टू डू दिस क्विकली, इट्स इजी, 1/3 यू शुड नो 0.33 है ना, 0.33 मान लेता हूं मैं 10^-2। मैं और एक काम करूंगा, थोड़ा आलसी हूं इसलिए 10^-2 मैं पहले दोनों में से कॉमन निकालना चाहूंगा, क्योंकि 1/9.81 इज रफली 1/10, रफली 1/10 इज 0.1 प्लस ये आ गया 2 और दिस इज 10^-3, नीचे भी 10^-3 मतलब 2/40 roughly 41 बराबर, 2/40 इज 1/20, 1/20 इज 1/2 into 10^-1 मतलब 0.5 बराबर, ये 0.5 आ गया, समझा क्या? ये 3 मतलब 10^-3
ऊपर 10 पर माइनस 3, तो 1 बाय 41 को 1 बाय 40 मान लिया, 2 बाय 40 मतलब 1 बाय 20, 1 बाय 2 कितना 0.5, और 1 बाय 20 था ऊपर गया, राइट। तो 0.05 बराबर 1 बाय 20, 1 बाय 2.5 और एक 10 माइनस 1 ऊपर 0.05 प्लस 1 बाय 87। मैं रफली मतलब 10 पर माइनस 3 बाय 0.087 इज 1 बाय 87। 1 बाय 87 को मैं 1 बाय 90 मान लेता हूँ, करेक्ट। और इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, और 1 बाय 9 पता है आपको, 10 बाय 9 पता है आपको, पता होना चाहिए 10 बाय 9, 1.11 समथिंग रफली। तो 1 बाय 9 कितना 0.11 है ना, तो 0.01 ओके करेक्ट। तो इसको और बाहर 100 से मल्टीप्लीकेशन है, वो भूलना नहीं, नहीं तो गए। इफ यू डोंट सी देयर इज 100 आउटसाइड देन यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर। तो हाउ आई डू इट इज दिस वे, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज 10 पर माइनस 2, राइट, और इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लीकेशन में 100 है बराबर। तो कहना है जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू, नंबर याद रखना। इफ यू रिमेंबर नंबर्स देन इट इज इजी फॉर यू टू सॉल्व। क्या था 0.33 और क्या था प्लस 0.1, 10 पावर माइनस 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या आया था 0.05 और 0.01, 0.05 और 0.01 बराबर। मैं इसको लिख दूं क्या 5 प्लस 1, 10 पावर माइनस 2 कॉमन निकाल देता हूं, और बाहर ऑलरेडी 100 है ही, और बाहर तो ऑलरेडी 100 है। ऐसा क्यों किया मैंने, 6.5 आंसर आएगा। कैसे, ये 6 और ये रफली 0.4, मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं, राइट, 6 प्लस 0.45 रफली, तो 6.45, 10 पर माइनस 2 दोनों में से कॉमन निकलेगा, और ऑलरेडी 10 पर प्लस 2 आउटसाइड है, 6.5, राइट, करो, गुड, ऑलराइट। सो टू इंक्रीज स्पीड ऑफ योर कैलकुलेशंस यू नीड टू नो फ्यू फ्रैक्शंस। 1 is 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32, 6 to 5 का हाफ करो ना, 0.00 पक्का, 0.3225, 1 by 3, 2 by 3, 1 by pi, pi is 3.14, 1 by pi is 0.318. So these are few things that you need to know, because ऐसे बहुत सारे number appear होंगे, and you need to know this kind of calculations के लिए बहुत काम में आएगा ये. There is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body. मतलब positive error of 50% in the measurement of velocity. ठीक है, अभी जो बोला है वो बोला है 50%. Then the error in the measurement of kinetic energy is
100%। क्यों? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 कितना आएगा? एम में एरर नहीं, टू में एरर नहीं, तो टू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% खत्म। करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। दिस इज फेमस क्वेश्चन, ई एम एल जी डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, डायमेंशन ऑफ ई एल स्क्वायर, यूनिट्स डाल के। व्हाट इज यूनिट्स ऑफ ई? और एक ट्रिक है, और एक ट्रिक है, अगर आपको फॉर्मूलास पता है तो, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हो। वी इज, वी इज लेंथ अपॉन टाइम, ओके, और ये एल स्क्वायर ऑलरेडी है, अपॉन एम रेज टू 5, ओके, जी स्क्वायर। ये एक मेथड है, इसमें एक एम कैंसिल होगा। आई डोंट लाइक दिस, व्हाट आई लाइक इज एनर्जी एम वी स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर रेज टू, मास रेज टू 5, जी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, बराबर, क्लियर, सही है कि नहीं? नहीं है सही। क्यों सही नहीं है? क्योंकि किलोग्राम स्क्वायर यहां पे आएगा, नहीं तो एक काम, यहां पे ये गड़बड़ होती है, मैं इसलिए बता रहा हूं। इसलिए क्या करना, ई लिख देना अलग से, एनर्जी, अभी आपने बताया क्या था एनर्जी, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एल तो पता ही है, एम पता है, जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, बराबर, हमने अपॉन ऐसा लिख दिया था, वो ठीक है। व्हाट वी मिस्ड, स्क्वायर है इसका, है क्या ये स्क्वायर है कि नहीं? हाँ, तो ये गड़बड़ होती है घाई घाई में, तो ये हमको नहीं करनी। एंड आई विल टेल यू, उससे भी एक चीज आगे सोचोगे तो पहले ये निकाल लो ई वाई जी स्क्वायर, क्योंकि यही है जो गड़बड़ क्रिएट करता है ना, दिस इज द सोर्स ऑफ एरर। तो ये तुम्हारा आएगा किलोग्राम स्क्वायर, चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते, एक के जी हटा लेते हैं, मीटर क्यूब रेज टू 2, मीटर सेकेंड रेस टू 4 के जी स्क्वायर। अब ई बाई जी स्क्वायर पहले कर लो, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एम रेस टू 6 अपॉन एस रेस टू 4 के जी स्क्वायर, बराबर, ओके। तो इफ यू वॉन्ट, आपके ऊपर, इट्स, क्योंकि थिंग इज कैलकुलेशन इज स्ट्रिक्टली इन योर हैंड्स एंड नॉट माई, ओके, एल मीटर स्क्वायर, एम किलोग्राम रेज टू 5, बराबर, गुड। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग वी हैव डन, क्या गलती हुई, कुछ तो हुआ, क्या गलत हुआ, What went wrong? क्योंकि कुछ तो गलत हुआ है। अरे अच्छे से ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम, एल इज एंगुलर मोमेंटम, हाँ, तो मैं इसलिए बताता हूं, दिस, सी द थिंग इज, my वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज सच दैट की गलती कहाँ हो सकती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बाकी सब आपने ठीक किया था, आपने कहाँ गलती कर दी, एल को लेंथ ले लिया। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम डायमेंशंस, एम वी आर, है ना, एम वी आर, एम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
बराबर बन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये आर बराबर है, अब बराबर है राइट। तो एल मिल गया ओके। एम मास है क्या? पक्का पक्का फिक्स। तो किलोग्राम रेस टू फाइव आ गया, दिस इज फॉर श्योर ओके। और एल का स्क्वायर लेने के लिए बोला है क्या? एल का स्क्वायर बोला है, हाँ एल का स्क्वायर बोला है। तो ई आपने बताया था, वापस बता दो जी स्क्वायर याद है क्या? जी स्क्वायर याद है क्या? जी का डायमेंशन याद है क्या? ठीक है। एफ मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर का स्क्वायर, कैंसल कैंसल, मतलब मीटर रेस टू सिक्स, किलोग्राम स्क्वायर सेकेंड रेस टू फोर। अब आप ये सारे के सारे डायमेंशंस जो है, यूनिट्स जो है, पुट दैट इन द गिवन फॉर्मूला। वैसे ये आता है एंगल, क्यों एंगल आता है यू विल कम टू नो वेरी सून, बिकॉज दिस ऑल डायमेंशंस विल कैंसल आउट ओके। तो ई एल स्क्वायर अपॉन एम रेस टू फाइव जी स्क्वायर will be equal to E. E kilogram meter square per second square. Okay. Then L square kilogram square M raised to 4 S raised to 2. 2 na? Barabar na? Upon M raised to 5 is kg raised to 5. And G square is M6 kg raised to 2. एस रेस टू फोर। ये फाइव है, ये ऊपर वन प्लस टू थ्री और नीचे टू फाइव है, मतलब ये और ये कैंसल, ऊपर एम टू एम फोर और नीचे कैंसल, एस टू एस फोर और एस फोर, डायमेंशनलेस एंगल इज डायमेंशनलेस। तो सोर्स ऑफ एरर, 90% बच्चों ने एग्जाम में ये गलत किया था बिकॉज एंगुलर मोमेंटम। दूसरा जी का स्क्वायर नहीं लिया, so this is what you don't have to do, you have to know that where you can go wrong. To keep an object moving in circle at constant speed requires a force. Kaun sa force lagta hai to keep a body in circular motion? Centripetal. Barabar. To what is centripetal force? Mv square by r. To mv 2r minus 1, correct. A should be 1, B should be minus 2, oh sorry, plus 2, and C should be minus 1. 1, 2, minus 1. Kahan pe hai? Khatam. Okay. The time dependence of a physical quantity P is found to be of the form P equal to P0 e raised to minus alpha t square, where t is time and alpha is some constant. ये जो alpha है इसके dimensions पूछे हैं। What are dimensions of alpha? Oral question है ये। Dimensionless नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? Yes, exactly. क्योंकि कभी ना सुना है क्या? e raised to 10 kilogram, e raised to 10 second, नहीं, तो e to the power जो भी number होगा, that has to be dimensionless, मतलब alpha into t square must be dimensionless, it should be equal to m0 l0 t0, मतलब alpha के dimension should be 1 upon t square, मतलब t raised to minus 2. Right? In a particular system,
The unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram, 0.1 second respectively. The unit of force, karo. Right, what we know is 1 newton of force, yeah, fir force. मैं शॉर्टकट मारता हूं बहुत ज्यादा. फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, उसमें डाल देंगे किलोग्राम इज 10^+3 ग्राम्स, मीटर इज 10^2 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर इज जस्ट सेकेंड स्क्वायर दोनों सिस्टम में, बराबर. तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन इज दिस मिनट डाइम्स. एक चीज तो ये हो गई, लेकिन हमको बोला है 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम लेना, बराबर ना. 1 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर लेना, बराबर. अपॉन सेकेंड 1 नहीं 10^-1 मतलब -2 आ गया. सॉल्व करो, आंसर आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? यस, क्यों नहीं आएगा? -3 आएगा. क्या -3 आएगा? यहाँ पे ऐसा लिखोगे 10^-3 लिखोगे, मतलब केजी पर सेकंड स्क्वायर आएगा. 10^-3 why 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स. Why? That is why I'm asking why. क्यों? वन न्यूटन या फिर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर is equal to 1/10^5 मतलब 10^-5 न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन होता है, बराबर. अब अगर मैं 1 ग्राम की जगह पे 10 ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 ले रहा हूँ, बराबर, और सेकेंड की जगह पे 0.1, तो नीचे 10^-2 आएगा, बराबर, करेक्ट. ये कितना आ गया 10^-5 मतलब 1/10^5, बराबर. ये कितना है 10^4, करेक्ट. तो कैसे 1/10? जितना हो सकेगा उतना कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा मैं. वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल. जितना सिंपल दिखता है उससे कई गुना ज्यादा सिंपल है, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ डायमेंशंस और यूनिट्स, बेसिकली वेरी वेरी क्लियर. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 2 different methods. ठीक है, चलो ध्यान दो. अगर ऐसा गड़बड़ होता है, यार आंसर इज करेक्ट बाय द वे, बट ऐसा गड़बड़ होता है तो ये वाला मेथड मैंने बताया था, याद है क्या? डू यू रिमेंबर दिस? m1 l1 t-2, चॉइस इज योर्स. किसको n1 बोल रहे हो, किसको 2 बोल रहे हो, चॉइस इज योर्स, आपके ऊपर है. ओके, तो n2 इज बेसिकली न्यू सिस्टम, n1 इज
एसआई सिस्टम, लेट अस से न्यूटन, ओके, तो एम वन विल बी इन किलोग्राम, दिस विल बी इन 10 ग्राम, ओके, दिस विल बी इन मीटर, दिस विल बी इन 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी इन सेकेंड, दिस विल बी इन 10^-1 सेकेंड^-2। फिर अभी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। दिस इज मेथड वन। मेथड टू जो मैंने बताया है वही था डायरेक्टली यूनिट्स, बट देन यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट, कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। कैसे करोगे? वन न्यूटन, वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को पहले तुम ले जाओगे ग्राम में, बराबर। मैं वापस पूछ रहा हूँ, किलोग्राम को पहले ले जाओगे ग्राम में, इसको ले जाओगे सेंटीमीटर में और सेकेंड को रखोगे सेकेंड में ही। ऐसा में यही होता है, 10^5 आ गया। अब उन्होंने बोला है 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम। यहां था सोर्स ऑफ एरर तुम्हारा, तो तुमने ग्राम को क्या लिख दिया 10 ग्राम। वापस से एक बार ऐसा करना था, 10^2 10g, बराबर 10 सेंटीमीटर, बराबर। ये 10^-1 सेकेंड आना चाहिए, पर 10^-1 था नहीं, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करोगे? 10^+2 से ऐसा एडजस्ट करोगे तुम, करेक्ट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यू मे गेट करेक्ट आंसर, बट यू वॉन्ट, आई वॉन्ट यू टू सी द सोल्यूशन। What? Why did you use kilogram square again? What is this? ठीक है, किलोग्राम 10 कहाँ से आया? वो ग्राम में दिया है, तुमने 10 कैसे लिखा डायरेक्टली? Alright, so I understand your problem now. तुमको यूनिट से तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो, हो जाएगा कंफर्टेबल बाद में, तो जस्ट फॉलो दिस मेथड, ठीक है? राइट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स वी बेटर स्पेंड फ्यू मोर सेकेंड्स एंड स्टिक टू दिस मेथड। आगे और एग्जाम्पल है 23 नंबर, उसमें बता दूंगा मैं, राइट? तो स्टिक टू दिस मेथड। 1/10 आंसर आता है, वो ऑप्शन नंबर ए आता है, बट यू नीड टू स्टिक। ये ओरल है। डेंसिटी ऑफ क्यूब is measured by measuring its mass and length of the side, mass upon length cube. Maximum error in the measurement of mass is 4%. Yes, क्योंकि ऊपर मतलब जब आप लिखोगे density mass per unit volume, तो mass का जो error है, मास में से एरर आपको मिल रहा है बेसिकली 4%, और नीचे मिल रहा है 3 × 3 9 + 4 13, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ओरल क्वेश्चन, दिस इज आल्सो ओरल क्वेश्चन, राइट? द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2π CT by lambda into cos of 2π x by lambda. Which of the following statements is wrong? Wrong, huh? पहले मुझे बताओ, have you heard of sine of 20 meter, sine of 15 second, sine of 60 meter per second? नहीं, मतलब argument जो होता है, this is argument, angle is dimensionless. इसका मतलब ये होता है कि 2π CT by lambda is dimensionless, whatever is dimensionless. So
यस, सो दैट मींस सीटी और लैम्ब्डा के डायमेंशंस सेम है. सिमिलरली फ्रॉम दिस इट मींस एक्स एंड लैम्ब्डा आर सेम, वैसे भी एक्स डिस्टेंस है, लैम्ब्डा भी डिस्टेंस है, राइट? व्हिच इज रॉन्ग. यूनिट ऑफ सीटी सेम एज लैम्ब्डा, ये राइट है. यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज लैम्ब्डा, ये भी राइट है. यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाय लैम्ब्डा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्ब्डा टी. देखते हैं, तो यूनिट ऑफ सी बाय लैम्ब्डा, सी बाय लैम्ब्डा मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, मतलब 1 बाय सेकंड है ना. सी बाय लैम्ब्डा, व्हाट इज सी? मीटर पर सेकंड मीटर, मतलब 1 बाय सेकंड. एक्स बाय लैम्ब्डा मीटर मीटर, तो इन दोनों की यूनिट सेम है क्या? नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ओके गुड. द अप्रोच हियर शुड बी, मैंने पहले भी बताया, m raised to 1 और m raised to 1 तीन बार आया है, t raised to minus 2 तीन बार आया है, राइट? ओके, सिर्फ l ऐसा है विच इज इन ऑल फोर ऑप्शन इज डिफरेंट. सो माई फोकस शुड बी ऑन l ओनली. तो मुझे ये पता है कि b के डायमेंशन विल बी इक्वल टू x square के डायमेंशन बिकॉज यू आर एडिंग x square टू b, मतलब इट शुड बी l raised to 2 फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, dimensions of u मतलब energy is equal to dimensions of a or l raised to half, क्योंकि x का root है ना, x का root है, और नीचे आपने already बोला कि l square है, मतलब a के जो dimensions आएंगे आपके l raised to 2 minus half is 3 by 2 है ना, ये plus half नीचे जाएगा, minus होगा, minus 2 minus half is 3 by 2, दो में से आधा गया, 1.5 is 3 by 2. So it will be u ke dimensions or l raised to 3 by 2 ke dimensions. U is energy. Energy abhi aapne bataya tha mv square, matlab mass raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2 or l raised to 3 by 2 aur ek bar. Matlab ye aayega aapka m1 l 2 plus 3 by 2 2 pi 2.5 5 by 2 nahi 7 by 2 2 और डेढ़ साढ़े तीन, मतलब 7/2 7/2 टी रेस टू माइनस 2, करेक्ट? जब मैं ए और बी का प्रोडक्ट लूंगा तो आई डोंट केयर फॉर व्हाट इज हैपनिंग विद एम, आई जस्ट केयर व्हाट इज हैपनिंग विद एल. 7/2 साढ़े तीन प्लस 2, साढ़े तीन प्लस 2 इज 5.5, 5.5 इज 11/2 है ना, 7/2 मतलब 3.5 प्लस 2 इज 5.5, दैट इज 11/2, ऑप्शन नंबर B, right? So this is how you have to solve this question. Oral. A. 4 delta A by plus 1 by 3 delta B by B plus delta C by C plus 3 by 2 delta D by D. Okay. A new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter and time is gamma second. So 5 joule kitna? So maine isliye bataya tha ki wo jo dusra method tha main aap bataunga. 5 joule. Joule matlab kilogram meter square per second square. Barabar. Ye hamare system mein. Unke system mein exactly, unke system mein alpha kg, बीटा मीटर, गामा सेकंड, मतलब 5 अल्फा 1 बीटा 2 गामा माइनस 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. अल्फा बीटा 2 गामा माइनस 2, अल्फा बीटा 2 गामा माइनस 2, यही आपको पहले भी करना था, वो 10 और 0.1. अभी मैं 10 को अल्फा बोलता हूं और वापस 10 ग्राम में उसको बीटा बोलता हूँ और 0.1 को गामा बोलता हूँ, तो अभी वो मेथड यूज करोगे तो इजीली होगा. सिर्फ जब नंबर्स आते हैं देन वी मेक मिस्टेक्स, राइट? हियर वी डोंट हैव नंबर्स ना, दैट्स व्हाई इट्स लाइक गुड, राइट? तो अभी क्या करना है आपको पता है, वो 100 बहुत है ना आपको, 100 की 1 न्यूटन,
Yes, so 1 newton, unit of force. So you just have to basically do this here. In this case, 1 newton. Newton matlab ke liye meter per second square. अभी वो कन्वर्जन फैक्टर अल्फा बीटा गामा वो डाल दो, राइट, हो जाएगा. ऑफ कोर्स वो ग्राम में है तो वो देख के करना, यू विल गेट क्विक आंसर्स. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद वेक्टर्स नाउ. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 विद वर्टिकल. ये इंपॉर्टेंट है, मेकिंग एन एंगल 60 विद वर्टिकल. विथ वर्टिकल तो ये फोर्स है ऐसा विच मेक्स एन एंगल 60 विथ वर्टिकल, मतलब 30 विथ हॉरिजॉन्टल और 60 विथ वर्टिकल. आपके ऊपर आपको कैसा करना है. दिस इज फोर्स एफ, राइट. देन वर्टिकल कंपोनेंट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट. अगर दिस इज एफ कॉस 60, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट. कॉस 60 इज हाफ. एफ इज 5, 5 बाय 2 इज 2.5 न्यूटन. ओरल क्वेश्चन, इफ ए बार इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी बार इज 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी बट पैरेलल टू ए. अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन, है ना. ए बार बी बार दिया है, एक नया वेक्टर बनाना है लेट अस से सी बार. सी बार मस्ट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इट शुड हैव डायरेक्शन ऑफ ए बिकॉज इट इज पैरेलल टू ए. तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. ए का डायरेक्शन मतलब ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. व्हाट इज बी एक्स हियर? 7, बराबर. मैंने फिर उल्टा लिखा, बराबर. ए मतलब दिस इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, राइट. बी इज यस अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, उसका रूट 5 आएगा, राइट. व्हाट इज 7 स्क्वायर? 49. व्हाट इज 24 स्क्वायर? 25 स्क्वायर पता है, 625. 24 square, 500 watt. How do you do 24 square? What is 24 into 10? Kahan 25 diya? Matlab 24 square plus 7 square. Haan, toh? 25 aayega. Wah, batao na, that's what I'm asking you. Exam aapko dena hai. That's why I'm asking you. You are right. You are right. But how do you find a 24 square? Do you know what is 24 into 10? Pata hai 24 into 10? 240. So 24 into 24 ko likh sakta hu, 24 into 10 plus 24 into 10 plus 24 into 4. So 24 into 10, 240 plus 24 into 10, 240, 240, 480, 24 into 4, 96. 480 में 100 ऐड कर दिया, 580 उसमें से माइनस 4 कर दिया, 576 में 49 ऐड किया, 625. So how do you do this is simple. 49 plus 576. So this is nothing but 625. And 625 square is 25. और नीचे 5, बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. 5 इंटू 3 15 और 20, 15 और 20.
ऑप्शन नंबर डी. तो माय जॉब इज टू टेल यू हाउ टू सॉल्व एंड टू ट्राई टू इंप्रूव योर स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस. 24 स्क्वायर 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 4 24 इंटू 10 240 240 480 24 इंटू 4 मैंने क्या किया 25 इंटू 4 100 लेकिन 24 था मैंने 25 लिया चार बार 111 एक्स्ट्रा लिया ना तो माइनस चार करूंगा 96 580 480 में 96 ऐड कर दिया तो 576. तो दिस इज हाउ यू डू इट सिंपल ऑप्शन नंबर डी. समझे क्या कैलकुलेशंस. ओके वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल एक्स वाई जेड विद एक्स वाई जेड एक्सिस द वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स विल बी. दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू इंट्रोड्यूस डायरेक्शन कोसाइंस. X axis, Y axis, Z axis. You have this as a vector. By the way, this vector makes angle with X axis, and that is called as alpha. With Y, it is called as beta, and with Z is called as gamma. So alpha, beta, gamma are the angles. मैं मान लेता हूं अगर ये a bar है तो cos alpha is ax upon a, cos beta is ay by a, and cos gamma is az by z. These are called as direction cosines. Az by a. Direction cosines. Right? So sometimes लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है because I say it but I write something else. So I hope you understand that. होता है. Okay, then आपको बोला है कि अल्फा बीटा गामा दे आर इक्वल है ना. तो अल्फा बीटा गामा इक्वल मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल राइट. मतलब मैं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma करता हूं तो ax square by a square plus ay square by a square plus az square by a square सब में by a square है. मतलब ये आ गया ax square plus ay square plus az square by a square. ये आता है वैसे भी वन राइट. ये वन आता है प्रूव भी कर लिया हमने तो ये आ गया वन राइट. अब क्योंकि cos अल्फा cos बीटा और cos गामा भी इक्वल है ना बिकॉज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल. हाँ तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि थ्री टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन. क्यों cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्योंकि इक्वल थे cos अल्फा cos बीटा cos गामा. तो मेरे पास cos square alpha ये 1 by 3 आ गया क्या. मतलब cos alpha 1 by root 3 आया क्या. What is cos alpha? ax by a. मतलब ax कितना आ गया a by root 3. अभी जब ax a by root 3 है तो ay और az भी root 3 क्योंकि alpha beta gamma equal so a by root 3 राइट. तो डायरेक्शन कोसाइंस गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस. सिंपल क्वेश्चन था इफ यू न्यू व्हाट इज व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस. अगेन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओरली चाहिए मुझे ax by a. पहले a निकालो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 16 20 प्लस मतलब अंडर रूट 45 तो आ गया. cos अल्फा इज ax अपॉन a. ax इज 2 2 बाय रूट 45 ओके 4 बाय रूट 45
एंड माइनस फाइव बाई रूट 45 ax by a, ay by a, az by a, and az is negative 5. Okay? तो सिर्फ confusion आपको confusion में कुछ रखा ही नहीं है. What kind of option do they give? मैं ऐसा रख देता. If I was there, I would have done this. तो जिसने ये minus sign नहीं देखा, वो option D tick करेगा. Simple. ये question जो है, I want to keep this question for little late क्योंकि ऐसे अलग अलग चैप्टर में अपीयर होता है और एक ट्रिक है. Not yes, it comes under topic NLM, but there is a trick. There is a trick, and I want to tell you that trick. So I will take this in next session क्योंकि it's very interesting. Book में ये कम से कम 10 step में दिया है, 2 step में होता है answer. चलो ले लेते हैं. So let's end suspense here. Object makes an object of mass m kg with speed v strikes a wall at an angle theta and rebounds at the same speed and same angle. Same speed or same angle पे वापस गया और angle with respect to normal measure किया गया है. The magnitude of change in the momentum. पहली चीज, momentum is mass into velocity. मतलब जब मैं बोलता हूँ P is mv and I say delta P, which means m delta v, which means mv final minus v initial. Correct. This is vector. So you have to write down in vector form. मतलब final velocity का y component, x component दोनों देखना पड़ेगा हमको. तो बुक्स में क्या करते हैं, बुक्स में दे डू दिस. डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ बार माइनस पी आई बार. फिर वो पहले पी निकालेंगे, इनिशियल पी निकालेंगे. व्हाट इज इनिशियल पी? इनिशियल मोमेंटम. हाँ, बट डायरेक्शन वेक्टर है, वेक्टर है. x कंपोनेंट ऑफ p i कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ p j कैप. तो इसका मतलब आपको पहले वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि फिर आप लिखोगे m v x i कैप प्लस m v y j कैप. m m कॉमन निकल गया, राइट? अब इनिशियल और इसमें तुमको कंफ्यूजन हो तो मैं लिखूंगा यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, राइट? ओके. तो अब प्रॉब्लमेटिक केस इसके लिए है क्योंकि फिर ये कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे. ये वी कहाँ जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है? वी पॉइंटिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है ना, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है. फोर्थ है, फोर्थ में पॉइंट कर रहा है. तो फोर्थ में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में. मतलब ये आएगा आपका बी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा. कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा, cos theta. cos theta. अरे बाप रे, theta को opposite side आप cos कैसे बोल सकते हो? अरे वो छोड़ो, x component है कि नहीं ये? हाँ, theta को opposite है ना वो. theta को opposite कॉस होता है क्या? नहीं. तो क्या होता है? एग्जैक्टली. फिर ये क्या आएगा? हाँ, तो ये यू एक्स और ये यू वाई, ये क्या आएगा? वी कॉस थीटा. करेक्ट? पक्का? नहीं. माइनस, नीचे पॉइंट कर रहा है नीचे.
करेक्ट, तो फिर ये लोग ऐसा लिखते हैं इसको, फिर देन दे से एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल करते वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर बोलते हैं फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, फिर बाद में बोलेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप माइनस इनिशियल, मतलब माइनस इनिशियल मतलब कौन सा कंपोनेंट कैंसल हुआ, साइन थीटा कैंसल हुआ, बराबर, मतलब बचेगा आपके पास टू एम वी कॉस थीटा जे कैप। व्हाट इज आंसर देन, चेंज इन मोमेंटम इज, एक्सीलेंट, राइट, क्लियर। डू वी हैव अ ट्रिक, यस वी हैव अ ट्रिक, कैसे, तो ये तो मैं रहने देता हूं, I will keep this as it is, okay, and I will also copy this and you go to next page to tell you a trick. मैंने already trick बता दी but फिर भी बताता हूँ वापस। X component, अरे यार ये problematic काम है, ओके, उप्स, आई एम सॉरी, ओके, सो देयर इज अ ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज यू नीड टू लुक एट डायरेक्शंस, ये वेलोसिटी का इनिशियल डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का फाइनल डायरेक्शन, गुड, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज दिस कंपोनेंट, V sin theta, this V cos theta, this V sin theta, this V cos theta, and this was negative. Which component is changing? V cos theta. V cos theta. बराबर, correct. तो first thing is answer में V cos theta आना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज नहीं हो रहा तो जीरो ही हो जाएगा, हाँ, तो वी साइन, वी साइन विल एनीवेज कैंसिल आउट, वी कॉस थीटा, और जब कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो चेंज इज टू टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, मतलब टू वी कॉस थीटा इज अ चेंज इन वेलोसिटी, राइट, हमको क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास से मल्टीप्लाई होगा, तो ओरली नहीं हुआ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व, तो व्हाई डू यू नीड टू स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग दिस, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए, मैंने अगर वर्टिकल वॉल भी दे दिया ना आपको तो भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, can you tell me this component was v sine, right, depends if I define this as theta or this as theta, us pe depend karega, correct, depend karega, agar maine bol diya ye theta hai ha to fir ye ban jayega v cos aur ye ban jayega v sine, okay, fir yahan pe aisa aayega, राइट, दिस इज माइनस वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा माइनस, व्हाट इज चेंजिंग, वी कॉस थीटा, तो वापस से टू एम वी कॉस थीटा ही आएगा, राइट, सो यू नीड टू डू दिस वे टू सेव योर टाइम, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड अननेसेसरी टाइम इन डूइंग ऑल दिस मैथमेटिक्स दैट वी हैव डन, 2mv cos theta का तो आंसर कुछ नहीं, फिर अभी
एंगल भी दे देंगे, मास और वेलोसिटी की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फाइंड अ नंबर लाइक चेंज इन टर्म्स ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? क्लियर? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर.